हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बात फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। आज है 11 जून। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 जून 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखना है आपको। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। अगर आप चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेड ऐप पर, तो गूगल प्ले स्टोर से आप एमजेड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर आपको सबसे किफायती दरों पर मिल जाएंगे वीडियो कोर्सेज, आप उन्हें भी परचेज कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। भारत में इस साल आयोजित होने वाला है और अगली बार होगा ऑस्ट्रेलिया में। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था, ऐसे ही आप सब लोग डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और अब असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था रायमोना नेशनल पार्क को और अब 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है देंग पटकाई वन जीव अभ्यारण्य को। ठीक है, तो इस प्रकार से असम में अब हो चुके हैं 7 नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं? रायमोना नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस टाइगर विहार, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सोकोहा और अब देहिंग पटकाई भी हो गया। तो ये 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं असम में। ठीक है, अच्छा, ये जो नेशनल पार्क अभी हाल ही में घोषित किया गया है ये 111.19 वर्ग किलोमीटर का है। क्लियर, और इसे वन जीव अभयारण्य के रूप में 2004 में मान्यता मिली थी। एक सिंह वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है, इसको तो मैंने आपको बताया ही था, क्वेश्चन ऑफ द डे में भी पूछा गया था ये। और अभी आपको परसों ही असम के बारे में भी बताया गया था, तो आज आप लोग असम से रिलेटेड कम से कम 10 पॉइंट्स कमेंट करके लिखो। असम के बारे में 10 पॉइंट लिखना है आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। तो वो बन गया दोस्तों अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर एक कंट्री है और ये बिटकॉइन को लीगल टेंडर देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, यानी बिटकॉइन को ये लीगल तौर पर मान रहा है अपने देश में। बिटकॉइन दोस्तों एक वर्चुअल करेंसी है, एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, ये आभासी मुद्रा है, यानी कि ये कोई फिजिकल मुद्रा नहीं है, फिजिकली आप इसे टच नहीं कर सकते हो। ये केवल इंटरनेट से इंटरनेट के बीच में ही ट्रांसफर होती रहती है। ऐसे तमाम प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन, डोजे कॉइन। ठीक है, और डोजे कॉइन पर तो मिशन भी लॉन्च करने जा रहा है स्पेसएक्स, और भी बहुत सारे हैं, ईथर कॉइन। ठीक है, कई सारी क्रिप्टो करेंसियाँ हैं, इसमें बिटकॉइन जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो अल सल्वाडोर जो कंट्री है दोस्तों, इसने अपने देश ने ये कहा है कि वो बिटकॉइन के लिए 90 दिनों के अंदर एक कानून लाएगा और इसको अपने देश में लीगली ये अप्रूव कर देगा, यानी इसके देश के जो नागरिक हैं वो बिटकॉइन के माध्यम से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और ख़ास करके इसमें विदेशों से ज़्यादा पैसा आता है अल सल्वाडोर में, तो विदेशों से लोग पैसा भी भेज सकते हैं यहाँ पर। क्लियर, बिल्कुल। चलिए, अल सल्वाडोर आया है, इसको देखते हैं वर्ल्ड मैप में। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में देखिए, ये रहा अपना प्यारा भारत। अल सल्वाडोर जो कंट्री है दोस्तों, वो सेंट्रल अमेरिका में है। अमेरिकी कॉन्टिनेंट जो है, दो अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और इसमें दोस्तों मिडल में, सेंट्रल में है अल सल्वाडोर, एक कंट्री है। यहाँ पर देखिए ग्वाटेमाला के बीच में, ये देखिए ग्वाटेमाला के पास में अल सल्वाडोर, ऊपर ये ग्वाटेमाला है। ठीक है, निकारागुआ, ग्वाटेमाला और बीच में अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर जो कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या होती है? इसकी कैपिटल होती है दोस्तों सैन सल्वाडोर। क्या होती है? सैन सल्वाडोर यहाँ की कैपिटल होती है और यहाँ की करेंसी यूएस डॉलर ही होती है, और अभी इसको बिटकॉइन को भी मंजूरी मिल गई है इसको। ठीक है, हालांकि वो नेशनल करेंसी तो नहीं होगी, बस उसे मंजूरी मिली है। यहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो वो हैं नायब बुकेले। कौन है? नायब बुकेले जी हैं यहाँ के प्रेसिडेंट करंट टाइम पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष भारतीय यूनिवर्सिटी कौन रही। दोस्तों टॉप पर रही है आईआईटी बॉम्बे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी हुई है और इसमें भारतीयों की अगर बात करें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की, तो इस लिस्ट में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आईआईटी बॉम्बे टॉप पर है, सेकेंड पर है आईआईटी दिल्ली, और थर्ड पर जो इंडियन इंस्टीट्यूट है या इंडियन यूनिवर्सिटी है उसमें है आईआईएससी बेंगलुरु।
यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु का स्थान। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, और लेकिन ओवरऑल में अगर इनकी रैंकिंग बात की जाए तो ये टॉप 200 के बीच में आती हैं। ठीक है, टॉप 200 के बीच में आती हैं। इसमें दोस्तों आईआईटी बॉम्बे को ओवरऑल रैंक मिली है 177, आईआईटी दिल्ली को ओवरऑल रैंक मिली है 185वीं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु को ओवरऑल रैंक मिली है 186वीं। तो इस प्रकार से टॉप 200 में ये तीन यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं। अगर बात करें ओवरऑल रैंक में, तो ओवरऑल रैंक में दोस्तों 8 ऐसे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं या भारतीय विश्वविद्यालय हैं जिनको जगह मिली है इस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बार फिर से ये टॉप है। पिछली 10 बार से ये लगातार टॉप पर बना हुआ है। सेकेंड पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एक साथ दोनों थर्ड रैंक पर हैं। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, क्लियर। ये तो थी QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों हायर एजुकेशन की एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, तो हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर थी सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना की है, सेकंड पर पेकिंग यूनिवर्सिटी थी वो भी चाइना की है, और उसमें अगर इंडियन इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु जो है ये टॉप पर था, और ओवरऑल रैंक जिसकी थी 37वीं। IIT रोपड़ सेकेंड पोजीशन पर था 55वीं ओवरऑल रैंक के साथ, और IIT इंदौर था 78वें स्थान के साथ, भारत की तीसरी टॉप यूनिवर्सिटी, क्लियर। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आई फैमिलिया नामक ग्लोबल डेटाबेस लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में इंटरपोल ने दोस्तों लॉन्च किया है आई फैमिलिया नाम का एक ग्लोबल डेटाबेस सिस्टम। इससे क्या होगा? इससे दुनिया भर में जो लापता व्यक्ति हैं उनकी पहचान की जा सकेगी। ठीक है, कैसे की जाएगी? तो इसके लिए दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मदद लिया जाएगा, साथ ही साथ DNA मैपिंग का भी सहारा लिया जाएगा। ठीक है, इंटरपोल जो होगा वो DNA मैचिंग के थ्रू जो फैमिली के मेंबर होंगे उनसे DNA मैच करा करके, क्योंकि एक डेटाबेस इकट्ठा होगा तो जो लापता व्यक्ति होंगे उनके DNA को मैच करा करके ये ढूंढने में मदद करेगा। इंटरपोल को दोस्तों इंटरनेशनल पुलिस के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इसका फुलफॉर्म होता है, इसे दुनिया की पुलिस भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में, और अध्यक्ष हैं किम जोंग योंग। अभी कल ही दोस्तों वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पर वीडियो अपलोड हुई है, तो ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो इसको जरूर देखिएगा। इसमें दोस्तों बहुत सारे दुनिया भर के इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया गया है आपको। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही सिंगल वीडियो में आपके तैयार हो जाएंगे। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी इस वीडियो की, तो आप लोग जाइए चैनल पर देखिए, वीडियो अपलोड हो चुकी है। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके रखा करो, आजकल नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे हैं, नोटिफिकेशन से व्यूअर बहुत कम आ रहे हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करके रखो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान कितना बताया? देखिए, वर्ल्ड बैंक ने अनुमान बताया है GDP ग्रोथ का, इसलिए मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ। और मैंने आपसे कहा भी था कि बहुत सारी एजेंसियाँ जो हैं, बहुत सारे बैंक जो हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो सभी लोग अपनी अपनी GDP ग्रोथ रेट घटा रहे हैं। फिर क्यों? कारण ये है कि इंडिया में सेकेंड वेव आया हुआ था, तो एक बार फिर से अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जाने लगी, तो इस वजह से सभी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं या जो भी प्रिडिक्शन ऐसी करने वाली जो कंपनियाँ हैं वो सभी अपना अपना अनुमान घटा रही हैं। लेकिन इसमें जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, तो जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक ने 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ का रेट का अनुमान लगाया है 8.3%। 2020-21 में 8.3% होगा, और इसने ये भी बताया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में 7.5% की दर से हो सकती है भारत की GDP की ग्रोथ रेट, क्लियर। अब देखिए GDP क्या होता है, फिर से आज समझिए। GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी एक देश ने, किसी भी अगर कंट्री की बात करें, तो उस कंट्री के किसी एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी सेवाओं का और उत्पादों का उत्पादन होता है, जितनी भी सर्विसेज का और प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है, उनके योग को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स प्रत्येक वर्ष उस फाइनेंशियल ईयर में किस दर से बढ़ रहे हैं या किस दर से घट रहे हैं, उसी को वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, तो जो भी कंपनियां, जो भी एजेंसियां लगाती हैं अनुमान, वो वृद्धि दर का अनुमान लगाती हैं, ना कि GDP का अनुमान लगाती हैं।
जीडीपी यानी कि एक टोटल वैल्यू हो गई। अब वो टोटल वैल्यू समझ लीजिए कितनी दर से बढ़ रही है या कितनी परसेंट से घट रही है, ये देखा जाता है, इसी का अनुमान लगाती है। ठीक है, जीडीपी का अनुमान नहीं, जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाती है। क्लियर बिल्कुल। चलिए तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। आप वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है और डेविड मलपास जी इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, आज आप लोग कमेंट करके ये भी बताओ कि अमेरिका में किस किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, अमेरिका में किस किस संगठन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, अभी कल की वीडियो मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लियोनल मेसी को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने। तो दोस्तों, दुनिया के दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं सुनील छेत्री। ये भारत के फुटबॉलर हैं, बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं। इन्होंने लियोनल मेसी को पीछे छोड़ दिया है, जो कि अर्जेंटीना के बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं। उनको इंटरनेशनल गोल करने के मामले में, इंटरनेशनल मैचेस में गोल करने के मामले में इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। सुनील छेत्री दोस्तों, इन्होंने 74 गोल किए हुए हैं और ये अब सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ही पीछे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 103 गोल हैं, 103 गोल हैं इंटरनेशनल मैचेस में, और उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं सुनील छेत्री। ठीक है, सुनील छेत्री भारत के हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत जो है इनके ही गोल से या इनकी मदद से कह लें विश्व कप क्वालिफायर में 6 सालों के बाद आ गया है, क्वालिफाई कर गया है, जीत पा गया है। ठीक है, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया है। तो पता ही होना चाहिए अगली साल फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 में। कहां पर होगा? कतर में होगा। कहां पर होगा? कतर में होगा फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अच्छा, अंडर 17 का महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करने जा रहा है? भारत करने जा रहा है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 3 साल के लिए दोबारा बंधन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों चंद्रशेखर घोष जी को एक बार फिर से अगले 3 वर्षों के लिए बंधन बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त करने के लिए मंजूरी मिल गई है। किसकी मंजूरी? आरबीआई की, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी कोई प्राइवेट बैंक हो या कोई ऐसी बैंक है और जो बड़ी बैंक है उसका जो बड़ा पद होगा, जो सबसे बड़ा पद होता है, उनकी अगर नियुक्ति दोबारा से करी जानी है तो उसके लिए आरबीआई की मंजूरी लेनी पड़ती है। तो आरबीआई के द्वारा मंजूरी मिल गई है और आरबीआई ने अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐसा नियम भी लाया था कि कोई भी प्राइवेट बैंक हो या कोई भी ऐसी सरकारी बैंक हो, सरकारी बैंक में तो वैसे नियुक्ति होती नहीं है ऐसे इंडिविजुअली, प्राइवेट जो बैंक के हैं उसमें कोई भी जो एमडी और सीईओ का पद होगा वो 15 वर्षों से ज़्यादा तक नहीं रह सकता है, मैक्सिमम 15 वर्षों तक ही वो एमडी और सीईओ के पद पर रह सकता है। ये सभी बैंकों के लिए, सभी प्राइवेट बैंकों के लिए नियम लाया है आरबीआई ने। तो फिलहाल इनको 3 साल के लिए और मंजूरी मिल गई है, 3 सालों के लिए ये फिर से रहेंगे। बंधन बैंक के बारे में बात करें तो 2001 में ये स्थापित हुआ था, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की। तो अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा में ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की है। देखिए ऑक्सी-1, ऑक्सी-1 का मतलब ये है ऑक्सीजन-1। ठीक है, ऑक्सीजन-1 का उद्देश्य ये होगा कि एक वन की स्थापना की जाए, वन यानी जंगल की, जंगल की स्थापना की जाए, फॉरेस्ट की स्थापना की जाए, जिससे ऑक्सीजन जनरेट की जा सके, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन जनरेट होगी वो प्राकृतिक ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो अभी हाल ही में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने करनाल और पंचकुला जिले में, 2 जिलों में ऑक्सी-1 स्थापित करने की घोषणा की है। अच्छा, इसी के साथ इन्होंने 2 और योजनाओं की घोषणा की है, टोटल इन्होंने 4 योजनाओं की घोषणा की है। 2 के तहत तो 2 जिलों में तो ऑक्सी-1 स्थापित किए जाएंगे, बाकी 2 योजनाओं के बारे में मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले ऑक्सी-1 को और थोड़ा सा समझिए। देखिए, जो करनाल जिले में स्थापित किया जाएगा वो 80 एकड़ में स्थापित किया जाएगा और जो पंचकुला जिले में स्थापित किया जाएगा वो 100 एकड़ में स्थापित किया जाएगा ऑक्सी-1। ठीक है, ऑक्सी-1 समझ लीजिए एक ऐसा जंगल है जो स्थापित किया जाएगा जिससे ऑक्सीजन को जनरेट किया जा सके, क्योंकि आप देख रहे हैं इस कोविड के सेकेंड वेव में कितना ऑक्सीजन की मारामारी लगी हुई थी। 2 और योजनाओं की बात करें तो 2 और योजनाओं में एक योजना है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत जो पेड़, जो वृक्ष 75 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं ऐसे वृक्षों की रख रखाव के लिए प्राण वायु देवता के नाम पर 2500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। समझ लीजिए एक प्रकार से
पेंशन उसको भी मिल रही है, वृद्धा पेंशन योजना के तहत ही समझिए उसको भी मिलेगी, और उसके ये 2500 रुपये उस पेड़ की देख रेख के लिए हुआ, ठीक है। दूसरा, हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण का आयोजन किया जाएगा, इसके तहत गांव गांव में पंचवटी के नाम से वृक्षारोपण किया जाएगा। तो हरियाणा सरकार जो है ये पर्यावरण पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। चलिए हरियाणा आया है, हरियाणा देखिए मैप में है कहाँ पर, ये रहा मैप में हरियाणा, उत्तर प्रदेश से ही सटा हुआ हरियाणा, राजधानी है चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं करेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर, और यहाँ के गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य जी। हरियाणा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है, तो हरियाणा दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश से, इसके साथ ही ये राजस्थान से शेयर करता है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से शेयर करता है, पंजाब से शेयर करता है, और किससे शेयर करता है, और ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है हरियाणा, क्लियर। हरियाणा हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट एक ही है, और इस हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। कौन? रविशंकर झा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 31वां इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में अंडमान सागर में दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच में 31वां कॉर्पोरेट अभ्यास आयोजित किया गया, इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग, ये एक प्रकार से गश्ती अभ्यास होता है। गश्ती अभ्यास मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि ये पेट्रोलिंग के लिए ही होता है, गश्ती के लिए ही होता है, गश्त लगाने के लिए ही समुद्रों में, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कहीं किसी चीज़ की तस्करी तो नहीं हो रही है, स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, कहीं आतंकवादी गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं, कहीं कोई घुसपैठ तो नहीं हो रही है समुद्र में, ठीक है। तो ये सब देखने के लिए समय समय पर हर एक देश के, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं लगभग लगभग में तटीय देश जो हैं समुद्री देश, उनके बीच में होता है, ठीक है। कभी इंडोनेशिया दिखेगा आपको, कभी भारत वियतनाम दिखेगा, कभी भारत थाईलैंड दिखेगा, ठीक है, समय समय पर करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से अभी इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास हुआ है जो कि 31वां संस्करण था, ठीक है, 3 दिवसीय था, 9 जून से शुरू हुआ, 11 जून तक चलेगा, क्लियर है। तो इसमें भारत की तरफ से, भारत की नौसेना की तरफ से INS सरयू ने हिस्सा लिया है, और थाईलैंड की तरफ से STMS क्राबी हिस्सा लिया है, ओके। दोनों के बीच में 2005 से ये शुरू हुआ है, लगभग हर दूसरे वर्ष ये आयोजित किया जा रहा है, क्लियर। तो कॉर्पोरेट देख करके आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कॉर्पोरेट किस देश के बीच में होता है। वैसे जो बाकी के जो अभ्यास होते हैं, सैन्य अभ्यास होते हैं, वो तो फिक्स होते हैं कि इस नाम का इसी देश के बीच में होगा, लेकिन जो कॉर्पोरेट अभ्यास हुआ, ये सभी अभ्यास जो है एक पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है। तो पेट्रोलिंग एक्सरसाइज वो आसपास के जो भी तटीय देश हैं, भारत के पड़ोसी देश, उनके बीच में होता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, EIU की दुनिया की निवास योग्य शहरों की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दोस्तों दुनिया की निवास योग्य शहरों की लिस्ट जारी की है, और इसमें टॉप पर है ऑकलैंड। कौन? ऑकलैंड। ऑकलैंड दोस्तों न्यूजीलैंड का शहर है, और ये है टॉप पर। दुनिया भर में, विश्व भर में निवास के योग्य रहने वाले सबसे अधिक अच्छा शहर जो है उसमें ऑकलैंड है टॉप पर। सेकेंड पर है जापान का ओसाका शहर, थर्ड पर है एडिलेड, चौथे स्थान पर है वेलिंगटन, और पांचवें स्थान पर है टोक्यो। EIU के बारे में अगर बात करें, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, क्लियर बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। यूट्यूब पर दोस्तों अब लगातार तेजी से वीडियोस आ रही हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा दोस्तों आप हिंदी कोर्स को परचेज कर सकते हो। हिंदी कोर्स में दोस्तों अब वीडियोस काफ़ी तेजी से आ रही हैं, मॉक टेस्ट भी शुरू करा दिए गए हैं, और हाँ, इंडियन पॉलिटी का जो वीडियो कोर्स है उसमें दोस्तों इंग्लिश स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है, इंग्लिश का भी नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अगर आप इंग्लिश के मीडियम के हो स्टूडेंट, तब भी आप इस वीडियो कोर्स को परचेज कर सकते हो, इंग्लिश में भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है, आप जा करके उसे रीड कर सकते हो। अगर जिन्होंने परचेज कर लिया है वो जा करके नोट्स भी रीड कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद, वीडियो तो आपको दोनों लैंग्वेज में समझाई ही जाती है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्तमान में आसियान संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो अपलोड हुई है, उसमें तमाम दुनिया भर के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सबको कवरअप किया गया है। अगला, बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है बाफ्टा फिल्म अवार्ड में? ध्यान दीजिएगा, इस पर भी वीडियो अपलोड हुई है, इसको भी आप लोग देख करके अपना कन्फ्यूजन, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्लियर।
तो फिलहाल दोस्तों इतना ही रखते हैं वीडियो को। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए इसकी जल्दी से क्विज सॉल्व कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।